ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम का थोड़ा सा लेवल राइज करते हैं, राइट। अगेन द क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। थिन रॉड, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिन रॉड। थिन रॉड जब वो बोलेगा उसका मतलब है सारा का जो सारा मास है वो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नो मास इज देयर अलोंग द ब्रेथ, राइट। सो थिन रॉड लेंथ एल, पूरी रॉड का जो लेंथ है वो एल है, तो ये पूरी रॉड का जो लेंथ है दैट इज एल। इस प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस, तो मान लो वो बोल रहा है इसको एक्स एक्सिस मान के चलो, नो प्रॉब्लम। बिटवीन एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल एल, मतलब रॉड पड़ी है एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इज इक्वल एल तक, यानी कि अब आपको ओरिजिन चूज करने की जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी आपको चूज करके दिया। नाउ द लीनियर डेंसिटी रो, नाउ ही इज ट्राइंग टू प्ले विद द वर्ड्स। एक जगह वो लिख ले लीनियर डेंसिटी, दूसरी जगह वो दे रहा है आपको सिंबल रो। इफ यू रिमेंबर लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी हम किसको बोल रहे थे, इफ यू रिमेंबर, इफ यू कैन रिमेंबर लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी वॉज लेमडा, मास पर यूनिट लेंथ, और जो रो था, रो ये किसका सिंबल था, ये वॉल्यूम मास डेंसिटी का था, राइट। इन दिस क्वेश्चन ही इज ट्राइंग टू मिक्स अप, ट्राइंग टू कंफ्यूज यू विद द वर्ड्स, ठीक है। सिंबल वो कोई भी चूज कर ले, आपको इसके ऊपर फोकस करना है वो क्या दे के रख रहा है। लीनियर मास डेंसिटी है यानी कि जो रो है दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। फोकस ऑन व्हाट एग्जैक्टली द क्वांटिटी इज, डोंट गो ओनली ऑन द सिंबल, ठीक है। सो इट इज लीनियर मास डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट लेंथ रो इज गिवन, दिस इज गिवन टू यू। ऑफ द रो ऑफ द रॉड वेरीज विद द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ओरिजिन एज रो इज इक्वल, ओके। सो व्हाट ही हैज गिवन इज मास पर यूनिट लेंथ रो, हम जानते हैं व्हाट इज मास रो, इट इज मास पर यूनिट लेंथ, इट इज वेरिएबल। मतलब पहली गल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है आप एक यूनिट लेंथ ले लो, कहीं भी एक यूनिट लेंथ ले लो, ये मैंने एक यूनिट लेंथ ले लिया, यूनिट मतलब जिसका जो लेंथ है दैट इज वन यूनिट, उसका मास इज कॉल्ड मास पर यूनिट लेंथ, इट इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां यूनिट मास यहां पे लेता हूं, इसका मास कुछ और होगा, यहां पे अगर यूनिट आप मास ले लो, इसका मास कुछ और है। आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अगर आप पिछला क्वेश्चन देखो, यहां पे क्या उसने दे के रखा था, ही इज स्पेशली मैंशन यूनिफॉर्म। इफ यू रिमेंबर वॉट वॉज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म, मास इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जितना यहां पे मास है उतना ही यहां पे मास है, उतना ही यहां पे मास है, राइट। बट इन दिस क्वेश्चन वॉट ही सेइंग मास पर यूनिट लेंथ इज वेरिएबल, इट इज वेरिंग, राइट। हाउ इट इज वेरिंग, रिलेशन इज गिवन, इट इज वेरिंग लाइक रो इक्वल टू ए एक्स, प्लीज फोकस हियर, राइट। मास इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज चेंजिंग विद एक्स, मास पर यूनिट लेंथ चेंजिंग विद एक्स, चेंजिंग विद एक्स, मतलब जितना आप एक्स आगे आगे जाओगे, जितना एक्स बढ़ेगा, जितना एक्स बढ़ेगा रो बढ़ेगा, मतलब मास पर यूनिट लेंथ बढ़ेगा। मतलब यहां पे अगर आप मास लेते हो, यूनिट लेंथ ले लो, यहां पे इसका जो मास होगा वो कम होगा, यहां पे मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा, यहां पे मास पर यूनिट लेंथ और भी ज्यादा होगा। जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा मास पर यूनिट लेंथ इंक्रीज करेगा, मतलब ऐसा समझ लो यहां पे जैसे रॉड थिन है और यहां पे आते आते रॉड थिक हो रही है। आई होप यू आर एबल टू फील द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में इट वॉज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, नाउ मास इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज वेरिएबल एंड इट इज वेरिंग लाइक दिस इक्वेशन, और दिस इक्वेशन टेल्स मी जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा आपका रो बढ़ेगा, रो यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मास बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाते चले जाओगे, राइट। सो मुझे ऐसी रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अगेन डिफिकल्ट कुछ नहीं है, इट इज
अगेन वेरी वेरी सिंपल, बस आपको ये चीज माइंड में बिठा के रखनी है जिसको हमें यूज करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम. यू हैव अ रॉड. स्टेप नंबर वन, इफ यू रिमेंबर, स्टेप नंबर वन, डिवाइड इनटू टाइनी टाइनी एलिमेंट्स. टाइनी टाइनी एलिमेंट्स यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, स्टेप नंबर वन है टाइनी एलिमेंट. स्टेप नंबर टू वॉज कॉन्सेंट्रेट ऑफ ऑन वन ऑफ दोज टाइनी एलिमेंट्स. ठीक है, अब यहां पे कोई टाइनी एलिमेंट ले लो, टेक अ जनरल एलिमेंट. ठीक है, आपको ये नहीं लेने, प्लीज डोंट टेक ऑन द बिगिनिंग और ऑन द एंड. यू हैव टू टेक समवेयर इन बिटवीन. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो आपने यहां पर एक टाइनी एलिमेंट लिया, इन इन बिटवीन ले लिया. ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट है, टाइनी एलिमेंट है, वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट है, तो इसका कुछ मास होगा, सॉरी इसका कुछ लेंथ होगा, दैट इज डीएक्स. आई होप यू रिमेंबर डीएक्स. ठीक है, क्योंकि मैं इसको एक्स एक्सिस उसने देके रखा है, उसने बोला है कि ये एक्स इज इक्वल टू जीरो है और ये एक्स इज इक्वल टू एल है. दिस वॉज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, नो प्रॉब्लम. सो इसका जो मैंने आपको बोला एक ही वेरिएबल मेंटेन करके रखोगे, इसका मतलब हम लोग जो भी लेंथ लेंगे अलॉन्ग दिस डायरेक्शन आई एम गोइंग टू टेक इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली. सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस टाइनी लेंथ एज डी एक्स. ओके, इसका मास कितना होगा? मास होगा डीएम, लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ इसका. ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा पिछले क्वेश्चन में अब और इस क्वेश्चन में. हमें मास, हमें पार्टिकल का जो मास है नहीं दिया. ठीक है, फिर और जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, हमें बता था कि मास पार्टिकल का पूरी रॉड का एम है, लेंथ एल है. इस रॉड में हमें देखो, क्वेश्चन देखो ध्यान से, मास नहीं दिया, कहीं भी उसने मास मेंशन नहीं किया. He has never mentioned mass anywhere. What he has given is mass per unit length. Right? So convert this equation into mass per unit length. बस इतना ही difference है. तो इसको लिखेंगे mass per unit rho into dx. Rho he has given as ax into dx. This is the mass per unit length. Right? Now everything is done. स्टेप अच्छा, नाउ एक चीज बची है, कोई बचा कुछ नहीं. पहला स्टेप हो गया, स्टेप नंबर टू हो गया, स्टेप नंबर थ्री हो गया. नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व. खत्म. XEM, XEM इक्वल टू इंटीग्रेशन x x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm. अभी लिमिट मत डालिए, ठीक है, लास्ट के अंदर लिमिट डालेंगे जब हमें सॉल्व करना होगा. ठीक है, सो अभी वैल्यू सब सब्सटीट्यूट कर दो, जो फाइनल वेरिएबल आएगा उसकी टर्म में हम स्टार्टिंग एलिमेंट की और फाइनल एलिमेंट की लिमिट डालेंगे. तो x यहां पे m था, So, यहां पे इंटीग्रेशन एक्स डीएम क्या है मेरा, ये वाला, दिस इज माय डीएम. सो ए एक्स डीएक्स, डीएम की जगह ए एक्स डीएक्स. कॉन्स्टेंट्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, ए वॉज कॉन्स्टेंट, आई होप यू नो ए वॉज कॉन्स्टेंट. ठीक है, रो रो इज इक्वल टू ए एक्स में ए इज कॉन्स्टेंट आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, ए आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. इन साइड आई एम गेटिंग एक्स स्क्वेयर डीएक्स और यहां पे ए आउट एक्स डीएक्स, ए एंड ए गॉन. नाउ वी आर रेडी टू इंटीग्रेट. फाइनल हमारा वेरिएबल एक्स है, तो जो यहां पे लिमिट डलेगी पहले एलिमेंट की, यहां पे लिमिट डलेगी फाइनल एलिमेंट की. तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट पहले एलिमेंट का, एक्स बराबर, देखो जो यहां पे उसी की लिमिट डालनी है, एक्स है तो एक्स की लिमिट डालनी है. पहले एलिमेंट का एक्स कितना, जीरो. आखिरी एलिमेंट का एक्स कितना, एल. यहां पे भी एक्स इज इक्वल टू जीरो टिल एक्स इज इक्वल टू एल. नाउ आई होप यू कैन सॉल्व इट, इट इजी सिंपली. अब क्या हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स क्यूब बाय थ्री लिमिट जीरो टू एल, यहां पे एक्स स्क्वेयर बाय टू जीरो टू L. So answer is going to be L cube by 3 minus 0 by L square by 2 minus 0. So I am getting
एल बाय थ्री, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब क्या हो गया, आपके रॉड है, दिस इज जीरो, दिस इज एल, वेयर इज सेंटर ऑफ मास, टू एल बाय थ्री, टू एल बाय थ्री मीन्स समवेयर हियर, ठीक है, सो दिस इज एक्स इज इक्वल टू टू एल बाय थ्री, मतलब सेंटर से साइड पे, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास आई वॉज एक्सपेक्टिंग हियर, क्यों, मुझे पता है रॉड कैसी है, यहां पे थोड़ी सी जैसे थिन है और यहां आते आते रॉड थिक हो रही है, ठीक है, यहां मास कम है, कुछ ऐसी रॉड होगी, ये कुछ ऐसी ऐसे ज्यूम कर सकते हो, जैसे कुछ ऐसी रॉड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जहां सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर साइड होता है, तो इट वॉज मिडल में नहीं, मिडल से सोरा उस साइड पे। नाउ मैंने आपको दो प्रॉब्लम्स करवाई हैं, ठीक है, वी हैव डन टू प्रॉब्लम्स हियर, फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज कि रॉड है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की, जो सेकेंड प्रॉब्लम थी दैट वॉज जो रॉड है नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की, दोनों में डिफरेंस देखिए, यहां पे क्या होता था, आप जनरल पार्टिकल मानते हो, यहां पे भी एक जनरल पार्टिकल मानते हो, इसका लेंथ dx लेते हो, इसका भी लेंथ dx लेते हो, इसका मास dm लेते हो, क्या लिखते हो, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है, ये यूनिफॉर्म है और ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, जब भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपको मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो रो से भी कर सकता है, ये गिवन होगा, ठीक है, बताएगा कि आपको जो मास पर यूनिट लेंथ है वो चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है, इस केस में यूनिफॉर्म में आपको सिंपली मास देके रखेगा पूरी बॉडी का, ठीक है, यहां पे वो जनरली मास नहीं देगा, यहां पे आपको बोलेगा मास पर यूनिट लेंथ किस टाइप से वेरी कर रहा है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस टाइनी एलिमेंट का मास क्या आएगा, ऑब्वियसली मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, तो मास पर यूनिट लेंथ, या इसको मैं कुछ जो भी गिवन है, उसने लैम्डा लिया तो आप लैम्डा ले लो, रो दिया तो रो ले लो, और लैम्डा की वैल्यू डाल दो जो भी यहां पे देखे रखेगा, मान लो बोला है मास पर यूनिट लेंथ इज चेंजिंग लाइक ax, तो यहां पे डाल दो ax dx, ठीक है, वहां पे करने की कुछ भी जरूरत नहीं क्योंकि वहां पे आपको मास गिवन था, ठीक है, यहां पे आपको मास नहीं गिवन, तो ब्रिंग मास पर यूनिट लेंथ इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटी दैट इज लैम्डा, दैट्स द ओनली डिफरेंस, बाकी स्टेप्स आर सेम।